Welcome to Bollywood News. Subscribe to our channel to get all the updates from Bollywood. Let's start the video. और रिया चक्रवर्ती, आज तो थोड़ा मैं बिजी हूँ, बट ये लास्ट वीडियो तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। अभी क्या है कि सुशांत भाई तो है नहीं, पुलिस अभी तुम्हारा फाइनेंशियल जांच जो कर रही है, थोड़ा सीईओ को बुला के जो तुमने रियलिटी नाम से कंपनी खोली है, रियलिटी, तुम और तुम्हारे भाई शोभित चक्रवर्ती जो भी है, सुशांत भाई अब है नहीं यहाँ पे, और मोरल ग्राउंड पे अभी तो बहुत ज्यादा तुमको फैमिली वाला नहीं बोलेगा, तुम समझ लो पूरा इंडिया ही उनकी फैमिली है। मोरल ग्राउंड पे आके तुम सबसे पहले उस कंपनी से रेजिग्नेशन दो, उस कंपनी का बैंक अकाउंट का जितना पैसा है उसका एक डीडी के सिंह उनके डैड का नाम है, उनके डैड के नाम पे कृष्ण कुमार सिंह मेरे ख्याल से, या सिस्टर के नाम पे, जिसके नाम पे एक डीडी बनाओ, जितना उनके एसेट्स है सारा चीज उनके नाम पे ट्रांसफर करो, और कहीं पे भी तुमने उनके प्रॉपर्टी या कहीं भी कुछ ऐसा साइन करा है, अभी कभी सीए और लॉयर को बुला के मोरल ग्राउंड पे, बाद में तो लोग कड़वा ही देंगे तुमसे, बट लोग अप्रिशिएट करेगा कि कुछ इंसानियत बची है, तुम कर दो। बाकी तुम्हारा जितना खुलासा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का है ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में सब निकल के आ जाएगा, सारे फोन कॉल, जब फोन कॉल का फॉरेंसिक जांच आएगा सीडीआर, तो कौन कितना दोस्त था, कौन कितना दुश्मन था, कितने दिन टच में था, कितना मैसेज गया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन, एक बार वो आता है तो फिर बातें होंगी, बट अभी बस यही है कि आप जितना पैसा है उनका, जितना अकाउंट में पैसा है उसको एफडी कीजिए, जितना प्रॉपर्टी है आप उस प्रॉपर्टी को उनके नाम पे मिलिट्री ट्रांसफर, सब जगह से रेजिग्नेशन खींच दीजिए आप और आपकी फैमिली, क्योंकि उनकी फैमिली और कोई भी नहीं चाहता है कि आप उसमें रहें, तो आप इमीडिएटली रेजिग्नेशन दीजिए और पब्लिकली आके बताइए कि आपने दे दिया है। जैसे आपने सीबीआई की मांग की थी, हम आपके फॉलोअर हैं, आप हमारी लीडर हैं कैप्टन, वैसे ही आके आप बताइए कि आपने छोड़ दिया है मोरल ग्राउंड पे और सारा एसेट सारा पैसा जो है उनको डीडी बना के दी। दिनों के बाद उन्होंने कुछ न्यूज चैनल के माध्यम से पता चल रहा है कि एक साल में यूरोप का खर्चा से लेके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब पे अच्छे से हाथ साफ किया गया है मैडम के द्वारा। अब मैडम को थोड़ा तो मैंने अपील किया ही था मोरल ग्राउंड में आके कर दे, मुंबई पुलिस को ये भी चेक करना चाहिए कि तो सिर्फ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है, उस अकाउंट से कोई मोटी रकम उनके परिवार के लोगों को दी गई है क्या किसी तरीके से, और डेबिट क्रेडिट कार्ड में वही एक ट्रांजेक्शन आएगा जो अकाउंट में जमा है, कोई ऐसी रकम कैश में इन्होंने कहीं किसी तरह जगह पे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने में, कंपनी खोलने में, सीखने में कहीं पैसा किया है क्या? सुशांत भाई तो है नहीं, अब तो जो उगलना है इसी के मुंह से उगलाएगा। तो मुंबई पुलिस ने बहुत अहम जानकारी दी है और हर केस, हर प्रेशर्स की जो बात कर रही थी, प्रेशर्स, वो प्रेशर्स जो है अब यहीं से प्रेशर के बारे में पता चलेगा मेरे ख्याल से मुंबई पुलिस को, अब थोड़ा कड़ाई करते हुए, क्योंकि मैंने कल ही बोल दिया था अपने इंटरव्यू में कि जब मुंबई पुलिस ने इनकी फाइनेंशियल जानकारी लेने के लिए बात बोली है तो ये अमित शाह के पास जा रही है, इनको मालूम ही नहीं है इनके आकाओं को, ये सीबीआई जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर पीएमओ में आता है, और पहले उद्धव ठाकरे जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं हमारे, वो इसके लिए अगर रिकमेंड करते हैं तो पुलिस को पूरा ट्रांजेक्शन की जानकारी दे और ये भी बताए कि जो स्वाइपिंग करती थी तो क्या वो कन्फर्म करती थी सुशांत भाई से, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे जगह सुशांत भाई नहीं हो, तो क्या उनके नॉलेज के बिना ये ट्रांजेक्शन किया हुआ है, और क्या और बड़ी रकम की लेन देन हुई है, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है बहुत सारा चीज, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो, और बहुत सारा दस्तावेज इनके पास हो सकता है जिसमें जबरदस्ती उनसे साइन कराया हो,